ओके सो हेलो एवरीवन मेरी आवाज आ रही है सबको ठीक है मेरी आवाज आ रही है क्या चेक कर लो ओके गुड आफ्टरनून मेरी आवाज़ आ रही है क्या ठीक है यस yes, मेरी आवाज आ रही है सो so, हम स्टार्ट करेंगे सो so, हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ठीक है जो 2020 एग्जाम में पूछे गए थे गुड आफ्टरनून एवरीवन दिपेंदु अर्पित ये सारे सबको ओके सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से जो क्वेश्चंस थे 2020 में उसका डिस्कशन जो हम करेंगे So, जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस इजी होते हैं जस्ट आपको उसको अच्छे से सॉल्व uh, करना है ठीक है सो हम स्टार्ट करेंगे विथ फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी पे था ठीक है क्वेश्चन क्या है वो पहले देखो ठीक है ना द पर्सन ए बी सी डी तो टेन पर्सन जो है वो यहाँ पे हमें गिवन दिए है कम फॉर एन इंटरव्यू दे आर बींगल वन बाई वन टू द इंटरव्यू पैनल एट रैंडम वॉट इज दिलिटी जो क्वेश्चन है ये वन मार्क का क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है देखिए क्या पूछा इसमें ठीक है ना सो क्या हो सकता है इसका आंसर एवरी वन कमेंट में बताओ वट इज दिस क्या होगा इसका आंसर सिंपल क्वेश्चन है देखिए टेन पर्सन है उन्होंने पूछा है कि ये जो टेन पर्सन है इसमें से रैंडमली जो person से उनका नाम लिया जा रहा है देन पे पूछा है कि वॉट इज द प्रोबिलिटी दैट सी जो है सी ए के पहले इंटरव्यू देगा सो सी सी जो है ये इंटरव्यू देगा बिफोर ए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो so, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वन बाई टू सिंपल है ये तो सबको पता होगा प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन बाई टू क्योंकि सी जो है वो ए के पहले इंटरव्यू इंटरव्यू देने की प्रोबेबिलिटी कितना है वन बाई टू ठीक है देन उन्होंने पूछा है यहाँ पे उन्होंने पूछा है एंड ठीक है सो so, एंड क्या है कि ए यूज़ बिफोर एफ मतलब ए जो है ये ए बिफोर ए जो है ये ये एफ के पहले इंटरव्यू देने की प्रोबेबिलिटी ए फोर एफ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सो so, यहाँ पे हमें ये जो कंबाइन है इस कंबाइन के बारे में पूछा है कि कंबाइन प्रोबिलिटी ऑफ दिस तो ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालने के लिए देखिए okay? so, यहाँ पे क्या है लेट्स आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज दी एंड दिस इज एफ ठीक है तो ए जो है ये यहाँ पे भी दे सकता है यहाँ पे भी दे सकता है यहाँ पे भी दे सकता है ठीक है सो दीज आर दॉसिबल कॉम्बिनेशन बट हमें यहाँ पे चाहिए क्या हमें क्या चाहिए कि ये जो ए है ए एफ के पहले कब इंटरव्यू देगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पे देखिए ये एक आउटकम है ये एक होगा और एक होगा टोटल so, आउटकम्स कितने हैं थ्री ठीक है ना सो so, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वन बाई थ्री इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वन बाई थ्री और यहाँ पे देने की प्रोबेबिलिटी होगी वन बाई थ्री बट हमें कहां पे चाहिए हमें द इंटरव्यू बिफोर एफ मतलब बिफोर एफ मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी कितना है एंड okay. हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये क्या है एंड है तो प्रोबेबिलिटी जो, होगी, होगी, so जो होगी वो होगी वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री सो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी वन बाई सिक्स तो वन बाई सिक्स जो होगा ये आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ओके गुड आफ्टरनून एवरी वन कुछ कुमार यस राहुल सर आज नहीं आए ओके सो क्वेश्चन दिस वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर टू रॉड कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल सेक्शन ऑफ लेंथ यल ईच ऑफ कोपिशंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एंड के टू रिस्पेक्टिवली वन ऑफ द एंड ऑफ रॉड इज केप्ड एट अ फिक्स टेम्परेचर टी एंड अदर एंड एट टेंपरेचर टी टू टी वन इज ग्रेटर देन टी टू हमें यहाँ पे गिवन दिया है ठीक है सो इफ के टू इज इक्वल टू ट्वाइस के वन देन टेंपरेचर एट द इंटरफेस इज तो हमें जो इंटरफेस पे जो टेंपरेचर है दैट मींस यहाँ पे यहाँ पे जो टेंपरेचर है ये टेंपरेचर हमें निकालना है एंड लेट से दिस टेम्परेचर इज द टी ठीक है बाकी के ऊपर डिपेंड देखिए बिकॉज हमें जो चाहिए वो

थर्मो का क्वेश्चन है एंड ये जो क्वेश्चन है ये नीट एंड जेई का क्वेश्चन है ठीक है नीट जेई में इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं दिस इज़ नीट जेई टाइप क्वेश्चन सो सिंपल क्वेश्चन है ठीक है तो देखिए कि यहाँ पे ये दो रॉड जो है दीज आर टू रॉड्स दीज आर टू रॉड्स ये रॉड नंबर वन है और ये नॉन रॉड नंबर टू है इसका जो टेम्परेचर ये टेम्परेचर टी टू है और इसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर क्या है हमारा टी वन एंड इनको कनेक्ट किया है. यहाँ, है यहाँ पे जो इंटरफेस है पे जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर हमें यहाँ पे पूछा है अब ये जो दोनों रॉड है ये दोनों रॉड क्या है सीरीज में है दिस टू रॉड्स आर इन सीरीज सो so, अगर सीरीज में है सो इन सीरीज अगर ये रॉड सीरीज में है तो उनमें जो हीट करंट होगा वो हीट करंट क्या होगा सेम होगा दीज करंट ऑन करंट इज़ सेम इज़ सेम इन बोथ रॉड इन बोथ रॉड्स तो हीट करंट जो होगा वो हीट करंट दोनों रॉड में सेम होगा बिकॉज वो सीरीज़ में है ठीक है सो so, वो जो हीट करंट होता है वो हीट करंट क्या होता है हीट करंट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे होगा के ए डी थीटा ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट करंट अब यहाँ पे डी थीटा जो है वो क्या है चेंज इन टेम्परेचर और यहाँ पे टी में दिया है तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डी थीटा हम इसको डी टी भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हीट करंट जो होगा वो क्या होगा डी क्यू फर्स्ट में जो हीट करंट होगा वो क्या होगा के वन ए वन ओके अपॉन यहाँ पे क्या होगा डी थीटा वॉट इज द डी थीटा अब यहाँ पे देखिए ये यह टेम्परेचर यहाँ पे क्या है टी वन है यहाँ पे टेम्परेचर क्या है टी वन है यहाँ पे टेम्परेचर टी टू है, है. है. बट यहाँ पे अगर हमने देखा तो क्या है टी वन इज ग्रेटर देन तो T1 जो है वो टी वन क्या है टी टू से ज्यादा है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर T1 से क्या होगा कम होगा एंड आई एम जस्ट टेकिंग कि ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे क्या है T है सो so, dT क्या होगा यहाँ पे होगा T1 वन माइनस टी ये होगा dQ1 क्यू वन देन डी क्या होगा हमारा dQ2 क्यू टू बाई ये क्या होगा हमारा k2 टू ए टू अपॉन एल टू यहाँ पे क्या होगा T माइनस टी टू ठीक है मेरे पीछे जा रहा है वन मिनट तो ये जो होगा ये क्या होगा हीट करंट होगा ओके नाउ इट्स विजिबल ठीक है अब इसको जस्ट आपको सॉल्व uh, करना है सो so, यहां से टी का वैल्यू निकालो तो टी का जो वैल्यू है इफ यू सॉल्व दिस आपको मिलेगा के वन टी वन अपॉन यल प्लस के टू टी टू अपॉन यल अपॉन होगा के वन बाई यल प्लस टू बाईल ये आपका नीट में भी है एंड जीई में भी है सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन ठीक है सो दिस इज इक्वल टू होगा यहाँ पे बिकॉज एरिया जो है दोनों का एरिया सेम है सो so ये एरिया जो है ए वन इज इक्वल टू ये कैंसिल होगा तो के वन टी वन प्लस क्या होगा के वन प्लस के टू सो देश होगा के वन टी वन प्लस के टू के टू की वैल्यू क्या है टी वन प्लस ट्वाइस टी टू अपॉन ट्रॉइस के वन तो के वन के वन जो है ये कैंसल होगा तो यहाँ पे आंसर बनेगा टी वन प्लस टू टी टू अपॉन थ्री तो ये होगा हमारा टेम्परेचर एट द इंटरफेस तो इंटरफेस पे जो हमारा टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर जो होगा होगा टी वन प्लस टू टी टू अपॉन थ्री सो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे प्लस है ठीक है सो ये जो क्वेश्चन था दिस इज द क्वेश्चन ये इलेवेंथ एंड ट्वेल्व का क्वेश्चन है ठीक है सो इजी क्वेश्चन था ठीक है चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा एवरीवन क्या आंसर होगा इसका यहां पे हमें एंट्रोपी जो है वो एंट्रोपी गिवन दिया है कंसीडर एन आइडियल गैस एंट्रोपी इज गिवन बाय तो एंट्रोपी जो है वो हमें गिवन दिया है एस इज इक्वल टू यन बाई टू टू सिग्मा प्लस फाइव आर आर वन आर एल एन यू बाई एन प्लस आर एल एन वी बाई एन ये जो है ये हमें गिवन दिया है एंड यहाँ पे दिस सिग्मा इज द कॉन्स्टेंट आर जो है वो भी कॉन्स्टेंट है यू इज द इंटरनल एनर्जी एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हमें निकालना है ठीक है तो क्या कर सकते हैं हम पे और क्या होगा इसका आंसर नो नो इज इज इक्वल इक्वल टू टू डी डी एस एस ओके ऐसा नहीं फॉर्मूला होता बट विल ट्राई तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट मीन सीपी जो है ये सीपी की वैल्यू आपको निकालना है ओके okay? सो so, क्या आंसर होगा आपका शुभम आपका ऑप्शन होगा बी ओके okay? और एनी वन एल्स गुड शुभम गुड और किसी का क्या आंसर होगा ठीक है ओके ई इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी ओके जागृति ऑप्शन ए होगा ओके okay. और और किसी का क्या आंसर हो सकता है और कोई आंसर यहां पे ऑप्शन ए आया है बी आया है ओके okay. और किसी का कोई ऑप्शन सुनील ऑप्शन सी ओके फिजिक्स ऑप्शन बी ओके दैट ए मिला हमें बी भी आया है सी भी आया है और किसी का कोई ऑप्शन नवीन यादव सी ओके और किसी का ऑप्शन चलो हम इसको सवाल ही करते हैं तो ये जो है ये हमें एंट्रोपी हमें गिवन दिया है तो हमें चाहिए सीपी बट सीपी के लिए हमें सीवी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पता होता है सीवी इज इक्वल टू यू ठीक है ये जो है ये होता है फॉर्मूला ठीक है सो पे मैं कैपिटल टी लिखता दैट इज अ ठीक है तो ये होता है हमारा सीवी तो दिस इज द सीवी एंड हमें चाहिए सीपी तो सीपी एंड सीवी के बारे में हमें रिलेशन पता है यस yes, हमें रिलेशन पता है सीपी एंड सीवी के बारे में तो पहले हम सीबी निकालेंगे देन हम आराम से निकाल सकते हैं ठीक है ना? तो अब यहां तो पता होना चाहिए। हमें पता है क्या नहीं है यू हमें पता नहीं है बट हमें यू जो है उसको पता करना चाहिए ठीक है अब कैसे पता करेंगे हम यहां पे यू को हमें यू फाइंड आउट करना है ठीक है कुमार ऑप्शन ओके ऑप्शन ए रहा, आ रहा है आपका ठीक है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वन बाई टी इज इक्वल टू होता है डी एस अपॉन टी यू ये होता है वन फॉर्मूला सो वन बाई टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन टी यू तो हम इस पर फोकस करेंगे एंड यहां से हम यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा वन अपॉन टी इज इक्वल टू क्या है ये डी अपॉन डी यू इन ब्राकेट ये क्या है यस यस मतलब क्या हमारा एन बाई टू इन सिग्मा प्लस फाइव आर एल एन यू अपॉन एन प्लस टू आर एल एन वी बाई एन ये होगा ठीक है ना सो दिस इज इक्वल टू तो वन टी तो ये न। ये न। ये न। बाई टी इज इक्वल टू होगा एन बाई टू इज द कॉन्स्टेंट एन बाई टू कॉन्स्टेंट उसको बाहर लेके आए देन डिफरेंशिएशन किसका होगा देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम

फाइव यू ये तो कांस्टेंट है अब यहाँ पे क्या है डी बाई डी ऑफ एल तो एल का क्या होता है वन अपॉन यू बाई एन इन यहाँ पे क्या होगा अगेन यू बाई एन का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू यू तो इसका आंसर होगा वन बाई एन क्लियर दिस ठीक है ना फिजिक्स यस वॉल्यूम ऑल्सो कांस्टेंट तो यहाँ पे ये जो होगा ये क्या होगा कैंसिल होगा बिकॉज जो डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो वो भी डिफरेंशियन यही होगा तो यहाँ पे एन एन तो जो है ये क्या होगा एन कैंसिल होगा इस एन के साथ ठीक है ना तो यहाँ पे क्या मिला हमें वन बाई टी इज इक्वल टू बनेगा ठीक है क्या बन रहा है यहाँ पे फायू एन आर अपॉन टू यू ये मिला अब हमें सी बी निकालने के लिए U की वैल्यू जो है वो पता होना चाहिए तो यहां से U को निकालेंगे हम तो यू होगा एन एन बाई टू इन टू आर टी ठीक है ना सो so U इज इक्वल टू होगा फाइव बाई टू एन आर टी तो ये जो है ये हमारे पास बन गया U ठीक है ना तो U यहां पे हमें मिल गया सो so, एज वी गॉड दिस यू तो यहां से हम सीवी को निकाल सकते तो सीवी इज इक्वल टू होगा डी बाई डी टी ऑफ यू बट यू क्या है by 2 n r t. तो होगा ठीक है ना राजीव हेलो गुड इवनिंग सो सीवी इज इक्वल टू बनेगा फाइव बाई टू एन आर तो ये जो है ये होगा आपका सीवी ठीक है ना तो जिस जिन्होंने ऑप्शन बी बोला है वो याद रखो ओके okay. जिन्होंने ऑप्शन ए बोला है वो याद रखो कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है सीवी की है ये किसकी वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ सीवी हमें चाहिए क्या हमें चाहिए द वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर दैट मीन हमें सीपी की वैल्यू चाहिए ठीक है ना ओके वैष्णु जैन ओके गुड आफ्टरनून तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए सीपी की वैल्यू चाहिए <coughs> ठीक है ना और हमें क्या मिली है CV के की वैल्यू मिली है. हमें पता है मेयर ठीक है? तो मेयर से हम निकाल सकते हैं कि सीपी इज इक्वल टू होगा सीवी प्लस एन आर ठीक है सो सीपी की वैल्यू जो होगी होगी सीवी क्या है फाइव बाई टू एन आर प्लस एन आर सो द वैल्यू ऑफ सीपी इज इक्वल टू सेवन बाई टू एन आर Is this yes. so, CP की जो वैल्यू होगी आपकी सीपी की वैल्यू होगी सेवन बाई टू एन आर आई होप यू अंडर जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी जो होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है so, तो जिन्होंने ऑप्शन बी बोला था वो करेक्ट है ठीक है ओके सो दिस इज द आंसर दट इज ऑप्शन बी दू एन आर ये जो होगा ये आपका आंसर होगा ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हम नाउ दिस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ठीक है ओके जागृति क्या है यू की इक्वेशन में वी और पी दोनों की इंडिपेंडेंट है सीपी इज इक्वल टू डीयू बाई डी टी सीपी का वैल्यू डी यू बाई डी टी नहीं होता ठीक है तो पहले हमें सीवी निकालना पड़ेगा एंड देन बाय यूजिंग दैट सीवी वी वी हाउ टू फाइंड इट आउट सीपी ठीक है तो पहले आपको सीवी निकालना पड़ेगा ठीक है सो सी दिस क्वेश्चन एंड क्या होगा इसका आंसर मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल एट टेंपरेचर टी टेंड्स टू इंफिनिटी ईच ऑफ देन कैन एक्पाई थ्री डिफरेंट क्वांटम एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी जीरो एप्सिलॉन एंड टू एप्सिलॉन एंड बोथ ऑफ देम के नॉट एक् द सेम एनर्जी लेवल वट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है एंड क्या पूछा है वो देखिए ये जो सिस्टम है ये सिस्टम हमें दिया है एट टेम्परेचर टी टेंस टू इंफिनिटी ये सिस्टम हमें यहाँ पे क्यों दिया है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए है हमारे पास टू आगे वाला स्टेटमेंट क्या है कि ये जो टू पार्टिकल्स है इनको थ्री एनर्जी लेवल्स में पुट किया है ठीक है ना तो थ्री एनर्जी लेवल्स में पुट किया है बट आगे दिया है कि बोथ ऑफ देम कैन नॉट एक्यूपाई द सेम एनर्जी लेवल ओके तो उनको हमने पुट किया है थ्री एनर्जी लेवल्स में बट एक लेवल में ओनली एक ही हम एक्यूपाई कर सकते हैं तो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि ये जो है ये हमारे एनर्जी लेवल्स है दीज आर द एनर्जी लेवल्स लेट से ये है हमारे एनर्जी लेवल्स तो यहाँ पे इसका जो एनर्जी लेवल है ये एनर्जी जीरो है। यहाँ पे एप्सिलॉन है और यहाँ पे टू इप्सिलॉन है जो कि हमें गिवन दिया है क्वेश्चन में ओके अब यहाँ पे देखिए कि टू पार्टिकल्स है तो ये टू पार्टिकल्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि वो पार्टिकल हम यहाँ पे पुट कर सकता है ठीक है so, सो तनु ऑप्शन आपका क्या है ए दैट इज एप्सिलॉन ओके और और किसी का क्या आंसर है इस क्वेश्चन के लिए हाउ मी इन वाचिंग 32 वाचिंग तो 32 आंसर आना चाहिए 32 आंसर आने चाहिए कमेंट में जल्दी-जल्दी बताएं क्या आंसर कित क्या होगा निह ऑप्शन हाँ सी होगा शिव ऑप्शन सी होगा तनु ऑप्शन ए होगा ओके okay. ओके okay. और किसी का कोई आंसर सी ओके ठीक है चलो देखते हैं हम क्या होगा इसका आंसर अब यहाँ पे हम ये जो पार्टिकल है उसको हमें ये जो आ, एनर्जी लेवल है उसमें पुट कर रहा है ओके okay. राजू पात्रा ऑप्शन बी ओके okay. जागृति ऑप्शन सी ओके ठीक है चलो देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे कि क्या आंसर होगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए टू पार्टिकल्स हैं थ्री एनर्जी लेवल्स है बट ये ध्यान में रखना है कि एक एनर्जी लेवल में एक ही पार्टिकल होना चाहिए ठीक है मंगेश कदम ऑप्शन ए ओके तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है <coughs> कोई बात नहीं चलो देखते तो मैं एक पार्टिकल को यहां रख सकता हूँ एक पार्टिकल को मैं यहां रख सकता हूँ क्योंकि एक एनर्जी लेवल पे एक ही होगा ठीक है ना चलो सुनील ऑप्शन बी ओके चलो देखते गुड सबने अच्छे से ट्राई किया है ओके कोई बात नहीं यहाँ पे रख सकते हैं और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है मैं बोलूंगा एक पार्टिकल मैं यहाँ पे रखूंगा और एक को यहाँ पे रखूंगा कोई प्रॉब्लम है क्या कोई प्रॉब्लम नहीं हम रख सकते हैं क्योंकि दो ही पार्टिकल है हमारे पास और ये स्टेटमेंट देखिए कैन नॉट बाई द सेम एनर्जी लेवल देन मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं यहाँ पे एक पार्टिकल होगा और यहाँ पे होगा ये एक भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ठीक है और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तो बताओ और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तो बताओ तो आप मैं यहाँ पे एक रखूंगा और यहाँ पे एक एक रखूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक स्टेट में एक ही रहना चाहिए ठीक है ना सो दीज आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है अब हम क्या करेंगे तो इनकी एनर्जी देखिए कितना होगा ठीक है ना अब इसका हमें निकालना क्या है हमें निकालना है कि एवरेज एनर्जी ठीक है ना सो एवरेज एनर्जी जो है एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है माइनस डेबा डेबा बीटा एल एन जेड ये होता है एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला तो ये अगर एवरेज एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो हम हमें एवरेज एनर्जी निकालने के लिए पार्टीशन फंक्शन जो है वो पार्टीशन फंक्शन पता होना जरूरी है तो पार्टीशन फंक्शन हमें पहले निकालना होगा ठीक है ना तो पार्टीशन फंक्शन हमें निकालना होगा तो देखिए यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसकी एनर्जी कितना है इसकी एनर्जी कितना है ये जीरो है और इसकी एनर्जी कितना है इसकी एनर्जी है एप्सिलॉन तो ये जो है इसकी टोटल एनर्जी क्या होगा एप्सिलॉन होगा ठीक है सो तो, नाउ यहां पे, सो तो इन दिस केस यहाँ पे इसकी एनर्जी कितना है जीरो यहाँ पे क्या है टू एप्सिलॉन तो इसकी टोटल एनर्जी कितना होगा ट्वाइस एप्सिलॉन अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन था ये सेकंड कॉम्बिनेशन है और ये थर्ड कॉम्बिनेशन है ठीक है ना अब यहां है, है तो, 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 तो पार्टीशन फंक्शन जो है वो पार्टीशन फंक्शन कितना होगा सो पार्टीशन फंक्शन इज इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन फॉर दिस फर्स्ट करेक्ट देन क्या होगा प्लस एक्सपोनेंशियल क्या एनर्जी है टू तो माइनस टू बीटा इप्सिलॉन देन क्या होगा यहाँ पे थ्री है सो यहाँ पे होगा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री बीटा इप्सिलॉन तो ये जो है ये क्या बन गया हमारा दिस इज अवर पार्टीशन फंक्शन तो ये हमारा क्या बन गया पार्टीशन फंक्शन तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी के लिए हमें ये लेनजेड चाहिए तो इसका लॉग ले लो तो ये लेनजेड होगा लॉग शियल माइनस बी टाइप सिलॉन प्लस एक्सपोनशियल माइनस ट्राइस बी टाइप सिलॉन प्लस एक्सपोनशियल माइनस ट्राइस बी टाइप सिलॉन ठीक है ओके सो सबको क्लियर है एवरी वन अपू दिस इज क्लियर ओके नाउ यहाँ पे पर डिफ्रेंशिएट करना है सो एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेवा बाई डेवा बीटा इंटू एल एनजे करना है तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशियन वो हो, हो क्या होता है तो इसका डिफरेंशियेशन होगा यहाँ पे माइनस साइन है एक्सपोनशियल माइनस बी टाइप सिलॉन इज दिस विजिबल ये मेरे पीछे तो नहीं जा रहा ओके प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा इप्सिलॉन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 3 बीटा इप्सिलॉन ये होगा देन क्या होता है अगेन डी बाय डी बीटा ऑफ दिस अगेन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इप्सिलॉन का डिफरेंशिएशन होगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा इप्सिलॉन आई होप आई थिंक ये मेरे पीछे जा रहा है ना 1 मिनट 1 मिनट ओके अब विजिबल होगा अब विजिबल है ठीक है तो ये होगा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ट्रॉइस बी टाइप सिलॉन ये होगा सो दिस इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा अपॉन येगाइस बी टाइप सिलॉन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ट्रॉइस बी टाइप सिलॉन ये होगा देन क्या होगा यहाँ पे डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो इसको डिफरेंशिएशन किया तो ये एज इट इज रहेगा ये भी एज इट इज रहेगा ये भी as it is रहेगा एंड ये जो है इसका फिर से डिफरेंशियेशन होगा तो इसका डिफरेंशियन करने से यहाँ पे क्या मिलेगा मैं होगा पे तो जो है मैं यहाँ से को कॉमन लेता यहाँ पे है पे तो यह तो यहाँ पे होगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन इसको डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे तो ये यह माइनस था माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन इंटू टू होगा करेक्ट ना देन क्या होगा यहाँ पे माइनस थ्री एक्सपोनशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन करेक्ट बिकॉज यहाँ से तीनों जो चीज है उसमें से जो एप्सिलॉन है उस एप्सिलॉन को क्या किया हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा तो माइनस साइन से यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बनेगा ये प्लस होगा एंड ये भी प्लस होगा ठीक है so, सो देखिए यहाँ पे तो हमें हमारे पास क्या बचे यहाँ पे तो क्या मिला हमें एवरेज एनर्जी ऑफ इज इक्वल टू मिल गया हमें इप्सिलॉन अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस तो, न, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं ठीक है ठीक है तो यहाँ पे था एक्सपोनेंशियल माइनस ट्वाइस बीटा एप्सिलॉन प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ट्राइस बीटा एप्सिलॉन

तो यहां पे मैं दिया है कि टी टेंस टू इन्फिनिटी ठीक है क्या दिया हमें यहां पे टी टेंस टू इंफिनिटी तो टी टेंस टू इंफिनिटी दिया है तो देखिए ये जो बीटा होता है ये बीटा क्या होता है वन बाई के टी ठीक है सो एज टी टेंस टू इंफिनिटी एज टी टेंस टू इन्फिनिटी बीटा टेंस टू जीरो

प्लस वन तो ये होगा सिक्स इप्सिलॉन बाय थ्री तो इसका आंसर होगा टू इप्सिलॉन सो द एवरेज एनर्जी ऑफ ई इसका आंसर होगा टू इप्सिलॉन ठीक है सो टू एप्सिलॉन इज द आंसर ओके विष्णु जैन यस टू एप्सिलॉन तो टू एप्सिलॉन जो होगा ये टू एप्सिलॉन इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है so, सो जस्ट ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को आपको लास्ट में पुट करना है एंड दीज जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आपको यहाँ पे देखना है ठीक है यहां तक क्लियर है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सी दिस क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया है और क्या पूछा है मैं सो वर्ट अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम वी कंटेनिंग यन मॉलिकल्स ईच ऑफ मास विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी

ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा है सो so क्वेश्चन का जो आंसर है ये थोड़ा सा लेंथली है बट सिंपल है ठीक है सो so, सबको दिख रहा है ओके okay? तो so, इसका हम डेरिवेशन जो है वो डेरिवेशन करते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन जो है इसका थोड़ा सा लेंथली uh, है बट इजी है ठीक है सो ओके तो क्या है जागृति इसका आंसर क्या होगा डी ओके okay. इसका आंसर डी होगा ओके okay, चलो देखते हैं हम so ये जो एक क्यूब है एंड इसमें आर द पार्टिकल्स और मॉलिकुल्स है ये क्या है ये मॉलिकुल्स है एंड ये मॉलिकल जो है इस क्यूब में मूव हो रहे एंड उन्होंने पूछा है कि इस मॉलिकूल की वजह से ये जो हमारा ऑल है इस ऑल पे कितना प्रेशर जो है वो प्रेशर एग्जॉट होगा ये हमें यहाँ पे पूछा है ठीक है तो यहां पे हम क्या कंसिडर करते कि लेट से लेट सी वन सी टू सी थ्री डेट डेट डे बी दिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बी द वेलोसिटी ऑफ द मोलिकूल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब यहां पे जो मॉलिक्यूल है यहां पे जो मॉलिक्यूल हमें दिख रहे हैं हमने क्या किया लेट से अज्यूम दैट कि सी वन सी टू तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे जितने सारे मॉलिक्यूल है हर एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वी आर जस्ट कि उनकी जो वेलोसिटी वो सी वन सी टू सी थ्री ये है ठीक है अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल जो है ये मूव हो रहे इस क्यूब में मतलब क्या होगा यहाँ पे अगर हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा तो ये पार्टिकल यहाँ पे भी मूव सकता है यहां पे भी मूव हो सकता है एंड जेड एक्सिस में भी मूव हो सकता है ठीक है दैट मीनस ये जो पार्टिकल है तो इसकी ये जो एक्सिस है लेट से इस एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी जो होगी ये है लेट से यू वन इस एक्सिस में इसकी वेलोसिटी है लेट से वी वन एंड इस एक्सिस में इसकी वेलोसिटी है लेट से डब्ल्यू वन ठीक है सो यस ये जो क्वेश्चन है ये के टी जी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो सी वन है ये क्या है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल बट ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में उसकी प्रोबेबिलिटी है मूव होने की सो वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट कि u1 बार v1 बार एंड w1 बार ये जो है ये क्या है वेलोसिटीज अलोंग x y एंड z दैट मींस दीस आर द कंपोनेंट्स ठीक है तो ये जो c1 है तो इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं तो अगर x कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी लेट से u1 होगी y कंपोनेंट में उसकी v1 होगी एंड z कंपोनेंट में इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है लेट से w1 ओके okay, तो यहां सेक्वेयर so जो है हम इसको लिख सकते यू वन स्क्र प्लस स्क्र प्लस डब्ल्यू वन स्क्वेयर ये जो है ये C1 की वैल्यू ठीक है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी वन है सो नाउ वी आर जस्ट कंसिडरिंग वन पार्टिकल तो यहां पे हम जस्ट एक पार्टिकल को कंसिडर करते लेते से एक पार्टिकल जो है वो यहां पे है ठीक है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है एंड अज्यूमिंग दैट की ये जो बॉक्स है, है ये इस बॉक्स कीट होगा ठीक है हमें क्या निकालना है प्रेशर निकालना है कि ये जो ए बी सी डी है इस पे कितना प्रेशर है तो पहले हम निकालेंगे कि ये जो वन मॉलिक्यूल है तो वन मॉलिक्यूल की वजह से कितना प्रेशर इस पे एक्ज होगा वो पहले हम निकालेंगे एंड देन हम कंपेयर करेंगे फॉर आदर तो यहाँ पे जो है सुसी ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ गए तो ये तो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम क्या होगा तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मूवमेंटम तो इनिशियल मूवमेंटम क्या होगा यम यू वन तो दिस इज द इनिशियल मूवमेंटम देन व्हाट एपन यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इस वॉल को जब हीट करेगा देन ये जो होगा ये क्या होगा रिटर्न होगा अगेन इन दिस डिरेक्शन सो दैट इज द फाइनल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू होगा माइनस यम यू वन बिकॉज इन अपोजिट डिरेक्शन ठीक है सो द चेंज इन मोमेंटम क्या होगा चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या होगा माइनस टू एम यू वन तो ये होगा चेंज इन मोमेंटम अब हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये ओनली फॉर द वन पार्टिकल है दिस इज ओनली फॉर द वन पार्टिकल ठीक है अब यहाँ पे माइनस साइन ये माइनस साइन जस्ट दिखा रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में ठीक है तो ये होगा सो so, अब ये जो पा, पार्टिकल जो है यहां पे ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को यहां से यहां से निकल के इस वॉल को हीट करके फिर से उसके पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम हम पहले फाइंड आउट करते हैं टाइम जो होगा ये टाइम क्या होगा द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मॉलिक्यूल देखो यहां से यहां तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था सो फ्रॉम दिस टू दिस येल And यहां से अगेन यहाँ पे यल, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा टू यल अपॉन स्पीड जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है यू वन दिस इज द टाइम ठीक है अब वो जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल की वजह से वो जो एबीसीडी है उसपे कितना फोर्स जो है वो फोर्स एग्जर्ट हुआ सो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या होगा फोर्स यही फोर्स होगा तो एफ जो होगा क्या हमारा फोर्स तो ये फोर्स जो होगा वो एबीसीडी पे लगेगा बिकॉज ऑफ दट सिंगल मॉलिक्यूल तो हमें निकालना है प्रेशर तो हम पहले फेल फैले वो उस मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे कि वो सिंगल मॉलिक्यूल है यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल मॉलिक्यूल है तो ये सिंगल मॉलिक्यूल के वजह से यहाँ पे कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ ठीक है तो कितना फोर्स एग्जर्ट होगा देखो यहाँ पे सो so द प्रेशर निकाले तो प्रेशर इज इक्वल होगा फोर्स अपॉन एरिया सो दिस इज इक्वल होगा एम यू वन स्क्वेयर अपॉन एरिया क्या होगा यल स्क्वेयर एंड यहाँ पे ये है तो ये होगा यू ठीक है तो ये जो होगा ये क्या होगा प्रेशर होगा तो सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर एग्जॉट होगा वो प्रेशर कितना होगा दिस ठीक है बट तो, तो सेकंड तो तो अगर यहां पे दिस इज द प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल की वजह से जो प्रेशर होगा वो होगा यम यू टू स्क्र अपॉन यूब लाइक वाइज फॉर अनदर पार्टिकल्स ऑल्सो तो ये होगा

सो so जस्ट ये जो है इसको हमने समेशन में चेंज किया बिकॉज दीज आर द पे क्या है प्लस साइन ठीक है सो दिस इज इक्वल टू ये क्या है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल टू होगा एम अपॉन वी समेशन तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन आई वी तो ये क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस इज टोटल वॉल्यूम ठीक है इन टू यू वन स्क्वायर तो यहाँ से ये जो v है ये v इसके साथ कैंसिल हो गया तो p इज इक्वल टू बनेगा m समेशन ऑफ n i v i स्क्वायर बिकॉज़ क्वेश्चन में आपको v दिया है सो जस्ट दिस जस्ट रिप्लेस दिस u बाय v तो आपका जो प्रेशर होगा तो प्रेशर एक्जर्ट जो होगा वो कितना होगा p इज इक्वल टू m समेशन n i v i स्क्वायर एंड i गोज फ्रॉम 1 टू n ठीक okay, तो ये जो होगा ये क्या होगा दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस ए बी सी डी तो ये जो डी पार्ट है तो इस एबीसीडी पार्ट पे जो प्रेशर एक्ट होगा वो प्रेशर कितना होगा this, that is option A, जो होगा हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ओके okay? सो so, ये जो डेरिवेशन है सो so ये जो डेरिवेशन ये डेरिवेशन आपको ट्वेल्थ क्लास में भी मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसे चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो ये जो डेरिवेशन ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो का चैप्टर है उसमें भी आपको ये जो है ये मिलेगा ठीक है एंड ये वाला हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था दिस क्वेश्चन दैट इज द थर्मल प्रॉपर्टी तो ये भी आपको इलेवेंथ में मिलेगा इलेवेंथ स्टैंडर्ड चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सो जेस्ट के कुछ क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के बेसिस पे भी पूछे जाते हैं ठीक है जैसे कि ई में भी कुछ टू एक या दो क्वेश्चन जो है वो जे क्वेश्चन से ही पूछे थे यहाँ पे भी देखो ये जो क्वेश्चन है ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो ये क्वेश्चन आपको इलेवंथ में भी मिल जाएगा ओके सो दिज आर द सम क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ओके तो ये जो है ये क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थे सो so, कल क्लासिकल मैकेनिक्स का आपका होगा एंड देन हम जो जेस के प्रीवियस जेस की जो मोस्ट प्रवेबल क्वेश्चन है उस पर सीरीज जो है वो सीरीज लेने वाले ओके सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर